राजस्व प्रशासन और कर कार्यत्तर की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली में तेजी लाकर शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण करने तथा राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश देते हुए कहा कि 5 साल से पुराने लंबित मामलों का प्रतिदिन डेट लगाकर निस्तारित करें। इसके अतिरिक्त पेंशन एवं विरासत के मामलों का निस्तारण वरीयता के आधार पर किया जाए ताकि कोई प्रकरण लंबित ना रहे। डीएम ने रिक्त कोटे की दुकानों को एक अभियान के तहत शीघ्र नियुक्त करने के निर्देश एसडीएम को देते हुए कहा कि कोई भी कोटे की दुकान रिक्त नहीं होनी चाहिए। कर कार्यत्तर की समीक्षा के दौरान डीएम ने परिवहन, वाणिज्य कर, आबकारी आदि विभागों की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट की तथा कहा कि निर्धारित लक्ष्य समय से पूर्ण होने चाहिए। उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि एक अभियान के तहत अवैध शराब भट्टी बंद कराएं। बैठक में एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, एसडीएम और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 50,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से, मैं 5 साल के लीज के दे रहा हूँ, चलो लीज दिया तो अच्छी बात है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से करें, इसको लागू कर देना है ताकि कहाँ कौन सी जनपद में लागू है, देवरिया में है, अभी भी है। अच्छा, यहाँ भी लागू कर, ठीक है, यहाँ भी लागू कर देते हैं। माइनिंग इंजीनियर तो आपके अंदर ही आता है, माइनिंग इंस्पेक्टर कह रहे हैं ये जो एक अग्रीमेंट के साथ ही इनसे लेके सर्वे करा दें, उसी के हिसाब से अग्रीमेंट कर लें, स्टैंप का शुल्क दे, उससे इनसे थोड़ा बढ़ोतरी हो जाता है, मिलना चाहिए। जो बैनामे सर अभी तक हुए हैं 4 वर्षों में लगभग 40-35 मुकदमे दर्ज हुए हैं, और सर आपके भी कोर्ट में 2 मामले गए हैं का, तो वो मामले जो आपसे हैं जियो कोई 15 दिन पहले है, तो पहले जियो नहीं था, बस इस वाला लगे एनएस से कोई है आते हैं करके मुझे बता दीजिए, आपको और एनएच वाले का एक मीटिंग करवा देता हूँ। गेल वाले भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसे भी प्रॉपर्टी है, सरजू नहर जंग के समय में एसोसिएशन चल रहा हो तो चल ही रहा होगा, एग्जम्पशन है तो फिर बैनामा तो हो रहा है क्या? एसडीएम बोला था क्या ये बाकी क्या स्रोत है आपको, जो ईंट भट्टा के अलावा कोई स्रोत है आपका? नगर निगम की जो दुकानें हैं लगभग 1,000 उनके हैं जो क्योंकि फाइलें लगा रहे हैं और तो मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, ठीक है, लगभग वो 300 मामले जो डिसाइड कर चुके हैं, उनके पैसा भी जमा हो रहा है, ठीक है। बाकी और कुछ सर आप बताइए, जब मुझे रखा गया यहाँ जो माल है 100 रुपये के स्टाम्प पे नोटराइज करा के, 100 रुपया स्टाम्प पे नोटराइज करा के, और उसके रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, यस, वैसे बहुत दुकानों का 500 दुकानें होते एक परसेंट देंगे, 25 रुपये।